अभी हम जा रहे हैं गिरनार रोप वे, जो एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रोप वे है, गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अहमदाबाद से 300 किलोमीटर थ्रू राजकोट आपको आना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। दामो कौन है सर? अस्थिया विसर्जन होती है दामकुंड। ये दामाकुंड हरिद्वार में होती है। एक यहाँ, अच्छा, एक हरिद्वार, एक इधर है दामाकुंड, जहाँ अस्थिया विसर्जन की जाती है। अभी जस्ट आपको हिल्स दिख जाएगा, गिरनार हिल्स, जो 1031 मीटर हाइट है। बहुत ब्यूटीफुल भी है, जो क्लाउड के अंदर है एकदम क्लियरली। अभी ऊपर देखिए, दिखता होगा थोड़ा थोड़ा। पहुँचते हैं रोप वे में, ऊपर जाएंगे, डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। अभी हम जो एंट्री गेट है उसके पास पहुँच चुके हैं, भवनाथ प्रवेश द्वार। सुपर है गिरनार गुजरात का। अभी देखो चलने लगी, देखा? हाँ, तो पावर का प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रोप वे है। इम्पोर्टेंट नोटिस है, यहाँ पे टिकट काउंटर है। 700 रुपीज एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए 350 रुपीज है। रोप की तरफ जा रहे हैं, सारे फॉर्मेलिटी चेकिंग खत्म हो गया। वाओ वाओ, इधर वेट करना पड़ेगा हमको, 5 से 6 मिनट वेटिंग करना पड़ेगा। ये फाइनल लाइन है ना, ये यहीं से रोप में जाएंगे बस। संडे इसलिए थोड़ा भीड़ है, बाकी दिन थोड़ा नॉर्मल रहता है। अब बोर्डिंग हो रहा है हमारा, बोर्डिंग पॉइंट में पहुंच गए ऑलमोस्ट। वाव, ये है रोप वे का, जहाँ से हम ऊपर जाएंगे अभी। मजा आ रहा है, बैठ गए अंदर, चलेगा अभी ऊपर। बस डोर क्लोज करता भाई साहब, डोर क्लोज और हम चले। शांति, ओम शांति। सुपर व्यू है, अभी ऊपर जा रहे हैं। पावर फेलर हो गया क्या? हाँ हाँ, पावर फेलर हो गया। चला गया, चला गया। नहीं नहीं, पैसेंजर चला रहा है पीछे वाले। अभी इसके ऊपर पावर फेलर हो गया है, थोड़ा देर लगेगा हम लोग को, लटके हुए हैं। पावर आ गया भाई, पावर आ गया, अभी ऊपर जा रहे हैं। स्पेक्टेकुलर व्यू है रोप वे में, वे ऊपर जाएंगे। इसका मैक्सिमम हाइट 800 मीटर हाइट है, रोप वे का हाइस्ट जो हाइट है, और 2.2 किलोमीटर लॉन्ग है, जो पहले बता चुका हूँ आपको कि एशिया का लॉन्गेस्ट है। फिलहाल मजा लीजिए राइड का। चलने वाला रास्ता देखो नीचे, लेफ्ट साइड में चलने वाला रास्ता है। उधर चले वो फट जाओ, ये मेन जॉइंट का क्या? पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे इतना अच्छा दिख रहा है और ऊपर से अच्छा दिखेगा। वो तो नीचे है, सीढ़ियां बनी है ना। अच्छा, ये सीढ़ियां। हां बाप रे, इतना ऊपर चल के भाई 2-3 दिन लगेगा।
खाना पीना लेके सुबह से निकलोगे तो इवनिंग तक पहुंच सकते, पार्टी मना दे यहां लोग बैठ गए। अभी फॉग के अंदर हम लोग जाएंगे तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा वहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। ये पहाड़ कैसे चढ़ते होंगे? ये पहाड़ के स्ट्रेट है यार, वैसे घुमा फिरा गया ना वो स्टेयर्स वगैरह। तुम सोचो इसका जब कंस्ट्रक्शन हुआ था। अरे है स्टेयर्स है, स्टेयर्स है, वही तो कह रहा हूँ। टोटल यहाँ पे रोपवे में टोटल थोड़ा बहुत पावर फेलियर था, थोड़ा सा डर तो लगेगा लेकिन मजा भी आएगा। 7 to 10 minutes चढ़ी है टोटल रोपवे में, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। वेदर ज़्यादा बैड रहता है तो ये बंद कर देते हैं, जिस टाइम ज़्यादा वेदर खराब रहता है। बाकी ऑलमोस्ट अच्छा वेदर में 7 to 10 minutes के अंदर आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे, जो 2.2 kilometers हुआ ऊपर में। ऐसे जगह पहुंच गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, रोप दिख रहा है तो उसने समझ जाओ रोप में चल रहे हैं। कोरा ही कोरा चारों तरफ, कोरा ही कोरा। ये भाई कोई उतर रहा है, पहुंच गए ऑलमोस्ट। हम डन 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 भाई, अरे धीरे ब्रेक धीरे लगा, झटका लगा। वाओ अब यहाँ से उतर चुके हैं। ओ माय गॉड, पूरा बादल है, कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पे टेम्पल है, बाकी नीचे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे इतना बादल है। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं अभी, यहाँ एरोपोए है आपको दिख रहा है, यहाँ से हम ऊपर आए हैं। अभी नीचे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना क्लाउड है। यहाँ पे एक स्टेप एक्सेस है जिसको नीचे से आना है, या नीचे जाने के लिए जो रोप से थोड़ा डरते हैं या फिर जो लोकल है नॉर्मली वो ऊपर चल के आ जाते हैं। टोटल 10,000 स्टेप है। मेन टेंपल हम जाएंगे, गिरनारी टेंपल, जो कि यहाँ से कम 800 स्टेप लेके ऊपर जाना है, और मतलब हम रोपवे के आने के बाद भी और ऊपर चढ़ना है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, और यहाँ से फिर 800 हमको उतर के आना है, तो ऑलमोस्ट 1600 स्टेप है। आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, थोड़ा ट्रबल है। अच्छा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, तो कोई कितना हाइट पे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एंजॉय द व्यू, चलते हैं। अभी फिर अंदर छा गया, बादल छा गया भाई, बंद फिर गया। शुक्र है कि नीचे नहीं दिख रहा है, डर के मारे। राइट, ये क्लियर बारिश का टाइम नहीं होगा, वही थोड़ा बादल अभी कम हुआ। वाह, वो है टेंपल जो सामने दिख रहा है, वहाँ पे हमको जाना है, लेकिन उसके लिए हमको ये रास्ता होकर जाना पड़ेगा। बहुत दूर है फिर भी बहुत खूबसूरत है। वाह, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है बादल। ओ सुपर, वाह, बादल फिर आ गया, घुस गया। ओ माय गॉड, नीचे आ रहे थे, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा दोबारा। जो पहाड़ी दिखाया था उसके ऊपर जाना है, मंदिर है। चढ़ना पड़ेगा फिर है? चल के आगे, बाप रे, यहाँ से चल के पहुँच गए। हाय, पहुँच जा रहे, हवा निकल गया मेरा, वापस भी।
ओ माय गॉड, वाव, वो पॉइंट देख रहे हैं, वहां से वापस आए हम लोग, फिर यहाँ जाना है, ये भी नहीं दिख रहा है कितना ऊपर है, इतना दूर तो आगे और जाना पड़ेगा, वहां पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो दिख भी नहीं रहा है, चलते पहुंचेंगे तो जरूर। फाइनली पहुंच गए, पहुंच तो नहीं गए, फिर जाना पड़ेगा वो टॉप में। वाह, अभी तो बादल इतना बढ़ गया, विजिबिलिटी जीरो हो गया। ये भगवान का गिरधारी मंदिर का आखिरी छोर है, यहाँ से हम लोग अभी नीचे उतरेंगे। अरे बाप रे, वाह, अब अंदाजा नहीं लगा सकते, जो आया नहीं उसको पता भी नहीं हुआ कितना हाइट में है। अभी इतना नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। एक बार कभी कभी टाइम मिलता है तो घूमना है, माइंड के लिए भी अच्छा है, और सबसे अच्छा चीज़ स्ट्रेसफुल लाइफ में एक बहुत बड़ा चीज़ है। कहीं पे भी आपका लोकेलिटी में कहीं पे भी आपको कुछ भी मिले घूम लीजिए, फिलहाल इसका वादियों का मजा लीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है। ये एग्जिट पॉइंट है, सब जा रहे हैं, जैसे जैसे आए थे ऐसे ऐसे रिटर्न कर रहे हैं। रोपवे का एग्जिट पॉइंट है, अभी जाएंगे। ये आ गया और वो डिपार्चर होने वाला। खाली क्यों आ रहा है, अच्छा छोड़ के आ रहा है ओनली। अभी हम बैठ गए हैं, आप जाएंगे, उतरेंगे, आप उतरेंगे, फोटो ले लो, अब चलना नहीं पड़ेगा। भाई साहब तो दिख नहीं रहा, क्या क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बड़ा लैंडिंग बड़ा खतरनाक था इसका, इसलिए नीचे से एयरपोर्ट से किया ना, फिर से नीचे जा रहे हैं। कितना टाइम लगता है, 5 मिनट मैक्सिमम, 7 नहीं है ना, रुपये तक सही है। इतना सन्नाटा क्यों है, अब तो देख ले, अरे कुछ दिखाई नहीं रहा, दिखाई दे रहा है ना, अभी खुले वाले भाई पूरा चला जाएगा। हेलो ब्यूटीफुल भी है लेकिन अरे भगवान, अब आएगा, अब थोड़ा बहुत दिखेगा, बादल से निकलेंगे, ये सही नहीं है यार, सही से चलाओ, ड्राइवर कहाँ। अभी थोड़ा क्लाउड से हम लोग बाहर आएंगे, वाह, अब देख सकते हैं स्पेक्टाकुलर व्यू है। ड्राइविंग अच्छा है।
पहुंच गए बस। हेलो हो गया भाई। टाटा इधर दबड़ दबड़ और करेगा इधर देखो ये ग्राउंड व्यू है। हवा में नीचे उतर चुके हैं, अभी चलेंगे बाहर जाएंगे, उससे पहले एक क्लिप ले लिया।